करेंगे, तो जहां पे भी आपको डाउट होता है, कुछ होता है, तो क्वेश्चन करना है, तो वीडियो को पोस्ट करना, बिंदास अपना ट्राई करना, ना समझ आए तो अपन सोल्यूशन कर नहीं पाते, ठीक है। तो इसके बाद भी वीडियोस फ्रीक्वेंटली आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियोस के जितने आपका पीडीएफ सी हो तो ये प्रेप किट ऐप पर मिल जाएगी, रजिस्टर कर लेना और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले काइनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे अपन, जल्दी जल्दी करना है खत्म, ठीक है। एग्जाम का टाइम है, तो अगर लगे ज्यादा फास्ट जा रहे हैं तो आप स्लो पेस पे चला सकते हो वीडियो, अगर लगे स्लो है तो तेज चला सकते हो, तो पता ही है सबको अपने को, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट क्या होता है, चेंज इन सम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये होता है केमिकल रेट, और कोई भी क्वांटिटी वो क्या हो सकती है, अगर अपन केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जनरली क्या होता है वो कंसंट्रेशन और रिएक्शन। तो अगर ए गिव राइज टू बी कोई रिएक्शन है तो इसमें एवरेज रेट कैसे बता सकते हैं हम, कैसे डिटरमाइन मतलब डिफाइन कर सकते हैं, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो क्या है ए, एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अगर मान लो कोई जनरल रिएक्शन है N1A plus N2B give rise to M1C plus M2D, ये अपने जनरल रिएक्शन है, तो इसमें रेट अपन ऐसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, माइनस वन बाय N1 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी माइनस वन बाय N2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्या है कि क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट साइड है उसकी डिक्रीज करती है, प्रोडक्ट साइड है तो इंक्रीज करती है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट साइड नेगेटिव साइन है, और ये उनके कोफिशियंट्स अपने डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। तो मतलब कहने का क्या बात है, तो रेट यहाँ पे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या काइंड ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए माइनस डेल्टा ए, क्योंकि ये कम हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव है यहाँ पे। और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर कोई भी एक अपने को गिवन है तो दूसरा इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर फिर बात आती है अपना रेट कौन सा, ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको भी। मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच ब्रिंग्स द केमिकल चेंज। तो जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है तो बेसिकली क्या होगी, वो अपना एक होल नंबर ही रहती है, और थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये, ठीक है। और अपने को सिंपली एक स्टेप के लिए बता सकते हैं हम, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं बता सकते, उसमें इंडिविजुअल जो स्टेप्स होते हैं उनके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये यूनिमोलिक्युलर है बाई मोलिक्युलर है, डिपेंडिंग अपॉन कितने मोलिक्यूल्स कितने उसमें रिएक्टिंग स्पीसीज है उस स्टेप में। बट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड अपना क्या है कंसेप्ट है, ठीक है। तो उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करते हैं अपन, ऐसे सिर्फ देख के नहीं बता सकते कोई भी रिएक्शन को, अनलेस और अनटिल वो अपना क्या होती है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो। तो उसमें तो जितना भी रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं वही अपना काइंड ऑफ उनकी जो ऐड करेंगे तो वो अपने को ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी अपना जो रेट लो जो हम लिखते हैं बेसिकली, तो उस रेट लो में रेट इक्वल गिव राइज़ टू के, और यहाँ पे फिर कुछ कंसंट्रेशन स्पीसीज रहती हैं, मतलब कि उस पर डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया हमने कोई भी मान लो लेट्स से एक्स और वाई है, तो उनकी जो भी ये पावर रहेगी यहाँ पे ए और बी, ठीक है, तो वो अपने को ए प्लस बी क्या देगी, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और तो ये मीनिंगफुल किसके लिए, रिएक्शन के लिए, ना कि स्टेप्स के लिए, ये चीज भी है, क्योंकि कोई भी एक स्टेप के लिए तो हम कोई भी रिएक्शन नहीं बताते कि हाँ कैसी है, इसका ऑर्डर कैसा है, कि इस रिएक्टिंग स्पीसीज के रिस्पेक्ट में मतलब कैसा बिहेव कर रही है रिएक्शन, कि इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो उसका अपन रेट पे कैसे डिपेंड करेगा, तो वो अपन रेट लो से बता सकते हैं। तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिंग जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्पीसीज होता है उसमें लिखा होता है, और उनके सम ऑफ पावर करेंगे तो अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन देख लेते हैं, IIT JEE 2017 में आया हुआ है, ट्राई कर लो जिसको करना है, सिंपल ही है। इसमें क्या है, बेसिकली रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए दे रखा है अपने को, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी फाइंड आउट करना है। तो जैसा अपन ने पिछली इक्वेशन बताई थी, ध्यान है ना, नहीं है तो कोई ना, अब देख ही लेंगे अपन। तो क्या है, वहां से माइनस वन बाय टू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, यही था तो कोफिशिएंट है यहाँ पे लिख दिया है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए दे रखा अपने को, जो ये यहाँ पे गिवन है, तो मींस क्या अपने को गिवन है माइनस ऑफ डेल्टा ए डेल्टा टी जो गिवन है 0.1। तो अगर इसमें सिंपली अपन पुट करेंगे फाइंड आउट क्या करना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी जो क्या है डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, तो यहाँ से डेल्टा सी बाय डेल्टा टी सिंपली क्या आ गया, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी गिवन है, क्योंकि रेट ऑफ कंजप्शन मतलब काइंड ऑफ ऑलरेडी ये यूजुअल ए के डिक्रीज कर रहे हैं, तो माइनस को भूल जाओ, 1/2 इंटू
0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो यहां से क्या आ गया 0.05। इतना सा क्वेश्चन था भाई, देखो क्या था इसमें, कुछ नहीं ठीक है, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए तभी सोल्व होगा। तो ये हो गया, डन। चलो आगे चलते हैं, ये इसमें क्या दे रखा है, फॉर ए रिएक्शन ऑफ द टाइप ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईयर लिख नहीं रखा है बट प्रीवियस ईयर ही है, ये भी कोई भी चेक कर लेना पेपर आपको मिल जाएगा। तो इसमें यूनिट दे रखी है अपने को रेट कॉन्स्टेंट की, क्या है मोल लीटर इन, और अपने को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट दे रखी है। तो इससे पहले हमने क्या बताया था ठीक है, इसको जाने से पहले बता लेते हैं, रेट क्या है के इनटू जो भी अपनी कंसंट्रेशन स्पीसीज होंगी यहाँ पे रिएक्टेंट उनकी कुछ पावर ठीक है, ए भी कुछ भी होगा। तो ये अपना रेट लो सिंपली ऐसे रहता है, इसमें रेट कॉन्स्टेंट की टर्म होती है। रेट क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन सम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकर, और वो क्वांटिटी क्या है अपनी बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में जनरली क्या होता है, कंसंट्रेशन या प्रेशर, नॉर्मल टर्म से कंसंट्रेशन रहती है ठीक है। तो कंसंट्रेशन होगी तो क्या होगा मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट अगर बात करें तो मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम ठीक है, क्योंकि डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही था रेट है ना। तो इसकी यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ठीक है। और यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट इसकी अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस कंसंट्रेशन मतलब मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर है कुछ ए ठीक है। अब अपने को ये दे रखा है, इक्वेशन ही बन गई है सिंपली। तो यहां से अगर सिंपली फाइंड आउट करना है तो ए क्या होगा, क्योंकि ये यूनिट और ये यूनिट करेक्टली मैच कर रही है, तो मतलब ये बेसिकली ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब वन इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर ए। तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई, काइंड ऑफ जीरो आ गई, तब ये सेटिस्फाई होगी ना इक्वेशन ठीक है। क्योंकि अगर वन होगी तो लेफ्ट और राइट साइड की काइंड ऑफ यूनिट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो ए क्या आ गया जीरो, तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या आ गया जीरो। इसको चेक करने के लिए ये बेसिकली देख भी लो, यहाँ पे हमने बताया यही रेट की यूनिट ये होती है, अगर उसकी पावर में अपना कंसंट्रेशन ले आएंगे तो ये रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट बन जाएगी, इसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कॉन्स्टेंट जो सेकंड इनवर्स होता है, सेकंड ऑर्डर की बात करें तो ये मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा ठीक है। ये सेकंड है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, और ये जीरो ऑर्डर ठीक है। समझ आ रही है ना बात, चलो फिर आगे चलते हैं। बड़े अब आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अपने को मान लो कोई जनरल रिएक्शन दे रखी है, एन ने गिव राइज टू प्रोडक्ट, तो इसमें रेट का एक्सप्रेशन यही बन गया, रेट गिव राइज टू के इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन की पावर जीरो ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है जीरो। अब इसमें ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एन टाइम टी, उसका इक्वेशन आता है, डेरिवेशन वगैरह इतना टाइम नहीं अपने पास, सीधी सी बात है कहीं भी चेक करोगे मिल जाएगा। तो अपन जल्दी जल्दी करना है, रिवीजन है बेसिकली ये, क्रैश कोर्स काइंड ऑफ सीरीज है, तो इसमें फटाक फटाक से चलेंगे, सीधा इक्वेशन होंगी ठीक है, तो वो चीज देख लेना थोड़ा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एट एनी टाइम क्या गया, ए टी इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, और यहीं पे ए टी किसके इक्वल है, अगर ए टी का भी लिखना हो ए नोट माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये अपने को ये दे रहा है। तो अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स क्या आ गया यहाँ पे के टी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी। तो अगर इसका प्लॉट की बात करें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो ये इक्वेशन से ही देख ले क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा विद नेगेटिव स्लोप, और उसका इंटरसेप्ट क्या होगा ए नोट, ये क्या हो गया ए नोट, स्लोप क्या आ गया माइनस के। चलो दूसरे इसकी बात करते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये प्रोडक्ट की टर्म में अपना बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की टर्म मतलब एक्स ठीक है, एक्स वर्सेस टाइम, तो इसका प्लॉट क्या बनेगा x इक्वल टू के टी, ये मतलब कोई इंटरसेप्ट तो है नहीं, ओरिजिन से पास करेगा और क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन, तो ये बन गया प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का। और अभी रेट वर्सेस टाइम की बात करें तो रेट वाले एक्सप्रेशन में ये देख लो, अब इसमें क्या है कंसंट्रेशन की पावर जीरो, रेट क्या आ गया के, तो किसी भी रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट तो फिक्स होता है काइंड ऑफ जो है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है, और जो भी कंडीशन होती है, तो बेसिकली टेम्परेचर ही होता है मेन, तो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उस पर अफेक्ट होता है, बाद में वो भी डिस्कस करें। तो इसमें क्या आ गया रेट इक्वल टू के, और इसका जो भी के होगा उसके हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ए की पावर जीरो हुआ तो वो वन आ गया रेट इक्वल टू के। और अगर हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ क्या होता है बेसिकली कि कितना टाइम ले रहा अपना रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टेंट जो उसकी कंसंट्रेशन ए नोट से ए नोट बाई टू हो रही है, उस कितने टाइम में होती है, तो वो इसका हाफ लाइफ होता है देते हैं ए नोट बाई टू के,
ये इसका हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब इससे तुम बता सकते हो कि टी हाफ का रेनॉल्ड का एक्सप्रेशन कैसा होगा भाई, ओरिजिन से पास करेगा और कोई इंटरसेप्ट है नहीं, और क्या होगा स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन से देख ही सकते हैं वो नेगेटिव है ही नहीं साइन, तो ये भी आ गया ठीक है। तो चलो अभी चलते फर्स्ट ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, ए टी इक्वल टू ए नोट टी रेस टू पर माइनस के टी, अगर लॉग फॉर्म में लिखना है तो यही आ गया। अब कंफ्यूज नहीं होना लोग, ए बाई ए माइनस एक्स मतलब कुछ नहीं, ए नोट बाई ए टी ही है ये, ए टी मतलब ए नोट माइनस एक्स ठीक है, ए टी इक्वल टू ए नोट और ये ऊपर ए नोट ही आ गया। तो इसको ये अपन लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो सीधी सी बात है। तो अगर एल एन ए टी वर्सेस टाइम का प्लॉट करेंगे अपन तो क्या आएगा ये एल एन ए टी वर्सेस टाइम, तो दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो इस एक्सप्रेशन का क्या बन जाएगा, एल एन ए टी इक्वल टू एल एन ए नोट माइनस के टी ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाले जो पावर होती है आगे आ जाती है अगर नेचुरल लॉग लेंगे तो इसकी स्लोप आ गई माइनस के, इंटरसेप्ट क्या है भाई एल एन ए नोट, और टी हाफ का इसमें क्या बन जाता है एक्सप्रेशन अपना, टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉरी 0.693 डिवाइडेड बाई के, याद रख लो बस इसका। तो ये भी क्या है कॉन्स्टेंट, तो टी हाफ क्या ग्राफ आ गया बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कंसंट्रेशन की बात करें ए टी इक्वल टू ए नोट, ये तो क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फ्लोट आ गया, यहाँ पे ए नोट है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बेसिकली वो डिक्रीज कर दी एक्सपोनेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है, इस एक्सप्रेशन से पता ही लग गया अपने। तो फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, हाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गया ना जैसे, अब इसमें क्या देखना है एक्स है अपना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो अपन बता रहे हैं, तो सिंपली इसमें देख लेना लगा देते हैं। तो एक्स क्या है यहाँ पे के टी माइनस ए नोड, सॉरी एक्स अपना ए नोड माइनस के टी, ए टी अपने को पता है जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से ए टी इक्वल टू ए नोड माइनस ए टी, तो यहाँ से ए नोड e की पावर माइनस के टी और अब ए नोट कॉमन ले लेंगे तो आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। तो ये जो फंक्शन आ रहा है ना ब्रैकेट में ये क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इंक्रीज ही करेगा, तो उसका ग्राफ जो बनता है ये इसी टाइप का बनता है, बस याद रख लो उसको ध्यान रख लो, ये अपन वैल्यू पुट कर करके देखोगे ना तो यही कर्व अपने जनरेट होगा। तो इसमें एक्स जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसका ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ठीक है। तो ग्राफ में अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा देखिए तो बिंदास लगा देना अपना, और रेट का हाँ अब इसमें आ गया रेट का, जीरो ऑर्डर के लिए तो रेट क्या था कॉन्स्टेंट था क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ उस पर रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है के ए ये होता है ठीक है। अब ए क्या होता है अपना ए टी ए, जो ए है कंसंट्रेशन ऑफ एट एनी टाइम टी, ये हो गया ए नोट ई की पावर माइनस के टी, तो भी रेट की भी कैसा मतलब डिपेंडेंसी होगी टाइम पे एक्सपोनेंशियली होगी ना, तो ए टी इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे के यहाँ का के तो कॉन्स्टेंट है, तो मतलब इसका कर्व का जो ग्राफ फॉलो करेगा ये यहाँ पे क्या होगा एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग अपना काइंड ऑफ कर्व होगी यहाँ ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर द रिएक्शन, आईटीजेएम 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन, क्या है इसमें बस सिंपल सा क्वेश्चन है यार, द रेट एक्सप्रेशन दे रखी के एच टू पी ओ टू माइनस ओ एच माइनस स्क्वेयर, इफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज डबल द रेट इज एच टू पी ओ टू की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो रेट लोग तुम्हें एक्सप्रेशन दे ही रखे हैं तो रेट क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे ऊपर, तो कैसे डिपेंड कर रहा है मतलब डबल कर देंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा सीधी सी बात है, क्योंकि अगर ये ओ एच की कंसंट्रेशन डबल कर देता तो रेट क्या हो जाता 4 times हो जाता ठीक है, बस सिंपल देख के कर देना है याद ही रखा अपना उसके रिस्पेक्ट में क्या डिपेंडेंसी है अपनी रेट लोग में उसका उस रिएक्टिंग स्पीसीज के। चलो लाइट भी कर दिया, अभी बात आ गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बन जाती है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी उसका पावर स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर क्या है इसमें सेकंड ऑर्डर हो गया, ये कब है जब अपना जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं लेट्स से ए प्लस बी की रेस्ट टू प्रोडक्ट है इन ये ए और बी के दोनों के ना इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है तो ये एक्सप्रेशन आता है कि लेट्स से दोनों की इनिशियल ए नोड ही है ठीक है, तो मतलब दोनों ए प्लस बी को अगर सिंपली ऐसे लिखे तो ये टू वे काइंड ऑफ प्रोडक्ट अगर ऐसा दे रहा है ना तो ये वैलिड है, तो मतलब जो दो ए प्लस ए हैं दोनों की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी सेम ही रहेगी ठीक है, तो ये अपना डिफरेंशियल रेट लो बन गया इसमें, और अगर इसको इंटीग्रेटेड करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है अपने को, मीन्स 1 बाई ए टी
means concentration of A at any time t minus 1 by A node, means initial concentration of A, A या A node जो भी, ठीक है, equal to kt. तो इस टाइप से कुछ अपना एक्सप्रेशन दिखते हैं. तो इसी को अगर प्लॉट करना हो तो ये अपना ऐसे आ जाता है, 1 by A t versus time का अगर प्लॉट कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, 1 by A t, ये 1 by A t है ना, हाँ, 1 by A t versus time का प्लॉट है, तो ये इंटरसेप्ट उधर चला जाएगा पॉजिटिव में, स्लोप क्या आ गई इसकी k, यानी कि रखा स्लोप k और 1 by A अपना क्या आ गया इंटरसेप्ट, 1 by A या 1 by A नोट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है बस A इनिशियल कंसंट्रेशन है, A नोट है, इससे भी रिप्रेजेंट कर लो, ओके. और हाँ, इसमें टी हाफ क्या हो जाता है अपना, टी हाफ ध्यान रख लो, इसमें होता अपना 1 by A नोट के, ठीक है, मींस यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या था याद रख लो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ भी बढ़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो भाई कॉन्स्टेंट ही था, और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए इनवर्सली है ए नोट, ठीक है, तो यहाँ पे टी हाफ वर्सेज 1 बाई ए का प्लॉट करेंगे तो ये भी क्या आएगा लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ए नोड का करते अगर तो ये एक हाइपरबोला बन जाता उसी टाइप से, ठीक है, अगर ये करते अपन, तो यार ड्रॉइंग थोड़ी ऐसी सी है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कर्व्स मीट नहीं होगी, अगर टी हाफ वर्सेज ए नोड का होता, बट यहाँ पे 1 बाई ए नोड है तो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन आ गया जो अपने को पहले ही दिख रही है. तो ये अपन बात कर रहे थे जब उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो, मान लो भाई जब अलग अलग है तो उसके इसमें क्या बन जाता है अपना रेट लो, ये जो नीचे वाली कर्व है ये बन गया, अगर उसको इंटीग्रेशन करके जो भी अपने डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, अपना टाइम नहीं है मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, जो कि ये अपन जल्दी 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 डिस्कस करेंगे, सब रिवीजन टाइप ऑफ है, अगर नहीं अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है तो अपने नोट्स उठाओ और चेक कर लो इस चीज को. तो इंटीग्रेटेड रेट लो में क्या हो जाएगा, ये k इक्वल टू 2.303 टी ए माइनस बी, ए और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जो दो रिएक्टिंग स्पीसीज अपनी ए और बी, ठीक है, अब ये अपना यहाँ से आ जाता है. तो एक होती है भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब उसमें क्या होता है कोई एक रिएक्टिंग स्पीसीज ना, कोई मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है बेसिकली, उसमें से किसी एक की अगर कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है तो वो एक फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो ये होते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर. तो इसमें क्या होगा, लेट से बी यहाँ पे ग्रेटर देन ए है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा, अगर इसको अपन थोड़ा खोल के लिखे तो ये क्या बन जाएगा, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पे आ गया माइनस बी, ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, और अंदर बन जाएगा लो अगर b ग्रेटर देन ग्रेटर, तो ये b और b माइनस एक्स, b माइनस एक्स को भी b लिख सकते हैं, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बच गया a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a, अगर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये लोग वाली जो भी टर्म है उल्टी हो जाएगी, ठीक है, सिंपल मैथ है. तो k आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग a बाई ए माइनस एक्स, ये कुछ देख के ध्यान आ रहा है क्या, ये सॉरी यहाँ पे b भी है नीचे, तो ये देख के ध्यान आ रहा है ना, ये तो भाई फर्स्ट ऑर्डर जैसे दिख रही है, बस एक कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, कि वो सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगी, अगर एक जो अपने रिएक्टिंग स्पीसीज उसकी कंसंट्रेशन अपनी इतनी ज्यादा कर देते हैं, ठीक है. आवाज में यार थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है, कुछ ग्लिच्स हैं, ठीक है, बट अगले वीडियो तक शॉर्ट हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, अभी के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, पढ़ने के लिए इतना तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत. तो चलो अब बात होगी जर्नल एक nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, n ने गिव राइज टू प्रोडक्ट अपना रिएक्शन है, तो इसमें अपना क्या बन जाता है जनरल जो रेट लो है kt इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1, ये अपना जो नॉर्मल रेट लो बन जाता है यहाँ पे फॉर n ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसके लिए वैलिड है भाई, पहले ही बोल रहा हूँ, नीचे वालों पे मत लगाना, उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए तभी ये वैलिड है. तो t हाफ बन जाता है 1 बाय kn माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1, तो यहाँ से भी पता लग रहा है t हाफ और a का इनिशियल कंसंट्रेशन कैसा अपना डिपेंडेंसी है, तो उसको देख के भी आप बता सकते हो जीरो ऑर्डर के लिए कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसा होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए कैसा होगा. यहाँ पे ये एक बार देखने के लिए फिर से यहाँ पे स्पेक्ट्रा लगा दिया, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ और ए का कैसा था लीनियरली, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड ही नहीं करता भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन में फिक्स ही रहेगा, क्यों, ये था 0.693 डिवाइडेड बाई के, ठीक है, याद रख लो इसको अच्छे से. चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, हाफ लाइफ अपने को दे रखी है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है. अब पिछले अपने देखा ही था ना टी हाफ का क्या डिपेंडेंसी थी इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ये तो टी हाफ तो दो अपने को टाइम दे रखे हैं, दो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखे हैं, क्या करना है भाई, दोनों को डिवाइड कर दो सो,
कौन सा इसमें मैथ है, और ये सेम क्वेश्चन है 2021-19 दोनों में सिमिलर से क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज करी हुई है, तो ये बता दिया है कैसे करना है। अब डायरेक्ट अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा। तो ये बता दिया दो डिफरेंट टाइम्स पे हमने इनिशियल कंसंट्रेशन पुट करनी है, हमने ये वाले दो डेटा सेट लिए हैं, तो जब पुट करें तो अपना ये बन गया इक्वेशंस, और एट लास्ट ये आ गया, तो n माइनस वन रेस्ट टू वन, तो n क्या आ गया 2, अपना क्या आ गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। चलो फिर आगे चलते हैं, अब देखना अपने को रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किया किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फिर है टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। एक बार थोड़ा कुछ चेक कर लेते हैं, ठीक है सब चल रहा है अच्छे से, यही चेक करना था। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट तो मतलब कहने का एक रिएक्शन के लिए काइंड ऑफ रेट डिपेंड करता है किस टाइप की रिएक्शन है, कोई बिल्कुल स्लो भी हो सकती है, कोरोजन होता है, कुछ बिल्कुल स्लो रिएक्शन है, कुछ बिल्कुल फास्ट भी हो सकते हैं, जैसे आयनिक रिएक्शन होती है, तो वो तो अपने पर्टिकुलर रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। उसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या था, एक होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, कैटलिस्ट पर डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन भी पता है, रेट लो में अपने का आता है इसकी टर्म भी, है ना। अब देख लेते हैं कि रेट कॉन्स्टेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड करता है ये जो बाकी के तीन बच गए, क्योंकि रेट लो में दो ही चीजें होती है, रेट कॉन्स्टेंट एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को छोड़ दे तो बाकी सब फैक्टर तो अपने रेट कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करते हैं कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट फिक्स हो जाता है, तो कोई फास्ट रिएक्शन है कोई स्लो है, तो उनके लिए अपना डिफरेंट डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट होता है। इसके अलावा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर कैसे, ये अरहीनियस इक्वेशन से पता लगता है कि भाई टेम्परेचर अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो अराउंड 10 डिग्री जब इंक्रीज करते हैं तो रेट कॉन्स्टेंट डबल हो जाता है, ये अपने को मिलता भी है। तो वो ध्यान हो तो अपना प्लॉट बनाते हैं उससे, फिर देखते हैं कि उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा कितना, मतलब नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जितने ज़्यादा हैं उस एक्टिवेशन एनर्जी से, पड़ा हुआ है सब कुछ नहीं, रिवाइज करा रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो इसके बाद ये अपना अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा हो जाता है, लो के टू बाई के वन इक्वेशन, ये ए बाई 2.303 टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाई टी वन टी टू, प्लॉट करेंगे लो के बाई 1/t, तो अपना ये आ गया, ये स्लोप आ जाती है ए माइनस 2.303 और साथ में अपना जो भी इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है, लोग के जो इंटरसेप्ट आता है, मतलब इसी को जो ऊपर वाले जनरल अरहीनियस इक्वेशन है उसी को यहाँ पे लोग फॉर्म में करके प्लॉट कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आई है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट आया है। तो फिर ए यहाँ पे क्या है, अरहीनियस और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कॉन्स्टेंट और टी है टेम्परेचर, ए तो अपना रेट कॉन्स्टेंट ही था। अच्छा चलो अभी बात आ गई कैटलिस्ट के, टेम्परेचर का देख लिया, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट तो क्या ही बात करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं, बोल दिए मैंने स्लो फास्ट। अब बात है कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है बेसिकली, रेट ऑफ, हमें पता है भाई रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ा देता है, पर कैसे बढ़ाता है, वो क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है किसी रिएक्शन की। तो अगर ये एनर्जी प्रोफाइल आप लोगों को दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, ठीक है, कोलिजन नंबर या रिएक्शन कोऑर्डिनेट कैसे भी कह लो यार, तो इसमें देखा एक्टिवेशन एनर्जी इनिशियल ईए थी, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये हो जाते ईपी कम हो गई, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, तुझे इतने दूर को जाने की क्या जरूरत है अगर तो इतने पास से जा सकता है, तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, वो बैरियर जो था ना इसका वो कम कर दिया, तो पहले ईए था इतना बड़ा ऊंचा जाना पड़ रहा था इसको, अभी कम कर दिया इसे, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने इस बैरियर से पास कर पाएंगे, तो जो अपना ट्रांजिशन स्टेट है जिससे तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब वो पजेस कर पाएंगे ट्रांजिशन स्टेट और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा अपना, ठीक है, तो मतलब ज्यादा अपने जो काइंड ऑफ सिंपली कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे बात करें तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर पाएंगे उस एनर्जी से और अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो ये होता है। तो अब यहाँ से हमने लिख दिया के पी इक्वल टू ए, के इक्वल टू ए और के पी बाई के का रेशियो निकालना है, तो भाई सिंपली है, डिवाइड कर दो ए ई, यहाँ पे क्या बनेगा ई ए माइनस ई पी डिवाइडेड बाई आर टी, ई ए माइनस ई पी को डेल्टा ई पी लिख सकते हो, यहाँ से अपना आ गया और ए से ए डिवाइड हो जाएगा, सॉरी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है कुछ, तो बस ई की एक्सपोनेंशियल वाली टर्म रहेगी और ये एक्सप्रेशन। चलो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, रेट कॉन्स्टेंट पर रिएक्शन एट दिस दिस टेम्परेचर इज दिस, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, सिंपल है, लो के टू बाई के वन बाई तो फॉर्मूला है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताओ ये क्या पूछूंगा,
ए बाई 2.303 आर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी वन टी टू वैल्यू पुट करनी है और क्या करना है सोल्व कर लो बस कुछ नहीं है ठीक है आंसर ना आए तो मैच कर लेना ये लिखा है 52.27 हो जाएगा बस यूनिट्स का ध्यान रखा करो ऐसे चीजों में यहाँ लिखे यूनिट्स यहाँ पे किलो जूल पर मोल लो वरना 52,000 लिख के आ जाओगे ये चीज ध्यान रखा करो किस यूनिट में पूछना है अब आगे बात आ गई थ्योरीज की इसमें एक होती है अपने सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन के लिए दो थ्योरीज आई है कोलिजन थ्योरी दूसरी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी तो पहले देख लेते हैं कोलिजन थ्योरी क्या कहती है तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कोई भी बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन अपना तो पहली बात तो किसी रिएक्शन के होने के लिए उसमें कोलिजन होना जरूरी है कि ए और बी है दोनों आपस में भिड़ेंगे तो जाके प्रोडक्ट मिलेगा अपने को ठीक है कोलिजन होना जरूरी है कोलिजन के साथ साथ भी उस इसकी रिक्वायरमेंट है पहला एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है उतनी तो होनी होनी चाहिए जब कोलिजन हो रहा है मतलब उनके पास जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए भाई तभी वो प्रोडक्ट बनेगा मतलब तभी वो बैरियर उनसे होगा पास होगा ठीक है और एक तीसरा होता है ओरिएंटेशन तो पहला कोलिजन ही होना चाहिए दूसरा भाई ओरिएंटेशन अच्छी मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे ही हिट करना चाहिए आपस में तो ही प्रोडक्ट मिलेगा तो एक तीसरा अपना जो वो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला इतनी एक्टिवेशन एनर्जी काइंड ऑफ इतनी तो होनी चाहिए उसके लिए तो अगर इसमें बात करें ए प्लस बी की राइज टू प्रोडक्ट तो इसमें ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये पहला एक्सप्रेशन इसका आ गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी होते हैं नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड ठीक है तो इसमें एन ए और एन बी क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब एन बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी पर सेंटीमीटर क्यूब जो रिएक्टिंग स्पीसीज है बी ए क्या अपना तो इंटरमोलिक्यूलर इनका डायमीटर मतलब डायमीटर डिस्टेंस है कि भाई एक ए एक बी उनके बीच में सेपरेशन जो डिस्टेंस है ना वो है ये डी और ये आ गया अपना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 100 के टी बाई पाई ठीक है तो ये अपना कोलिजन फ्रीक्वेंसी का हो जाता है तो दोनों ए और बी सेम होते हैं उस केस में ये अपना कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखता है ठीक है थोड़ा बहुत बस ये एक फैक्टर एडिशनल आता है 1/√2 तो अभी किसी को अगर हम वही रेट लो वगैरह सब लगा के फॉर वन नंबर ऑफ मोल वन मोल के लिए लेते हैं तो इसमें यह सब टर्म आ जाती है रेट कॉन्स्टेंट का ये रिलेशन आ जाता है फाइनली P जो क्या ओरिएंटेशन फैक्टर जो हमने बोला एक होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये क्या दे रहे हैं भाई कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये तो आ गया भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी बाकी टर्म्स तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो रहे हैं तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है अपना इसमें रेट लो ठीक है देख लो कुछ नहीं था इसमें अब बात करें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की तो इसका क्या मानना है इसका मानना है कि रिएक्टिंग जो स्पीसीज है ना प्रोडक्ट बनने से पहले एक बीच में कुछ बनता है और बीच में जो कुछ बनता है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दोनों होते हैं इक्विलिब्रियम में ठीक है इस थ्योरी ने बोला है तो और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अगर डिफाइन करें तो इसका क्या होता है एक अनस्टेबल स्पीसीज है जिसका एक ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस है पहली लाइन देखो ध्यान से यहाँ पे ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस है तो ये इक्विलिब्रियम में होगी विद रिएक्टेंट्स इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज मैक्सिमम ये मैक्सिमम पे बन रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे दिख भी रहा है अपने को तो पोटेंशियल एनर्जी कम है कि मैक्सिमम पे बन रहा है तो वो ट्रांजिशन स्टेट है और इसमें क्या फर्क क्या होता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बेसिकली रीजन पास्ट का होता है जो पोटेंशियल मैक्सिमम आएगी एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है उसके आसपास कोई भी अपनी स्टेट है ना वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगी बट ट्रांजिशन स्टेट फिक्स होती है कि जो हाईएस्ट मैक्सिमम पे होता है ठीक है तो हाईएस्ट पीक पॉइंट पे होता है ना वो ट्रांजिशन स्टेट होगी और उसके आसपास की भी सब तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाता है ठीक है तो ए प्लस बी की राइज टू प्रोडक्ट ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसमें रेट लो ऐसे अपने को मिला एक्सपेरिमेंटली तो एक्टिवेट जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है उसके बेसिस पे क्या बोला इसने ए प्लस बी इक्विलिब्रियम में है तो ए भी बनता है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए भी है वो प्रोडक्ट देगा हमें इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है ये जो ये अपन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली मतलब रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं सॉरी यहाँ पे जो भी ए बी डैश ए बी हाइफन ठीक है और इसके बाद अगर रेट लो रेट ऑफ रिएक्शन है ना तो इस थ्योरी के बेसिस पे कैसा आता है इसने बोला कि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो ए बी डैश कह रहा हूँ मैं ए बी हाइफन कह लो कुछ कह लो यार इसको नोटेशन है जो भी एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी विद विच दिस कॉम्प्लेक्स इज क्रॉस ओवर द बैरियर टॉप ठीक है तो मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल अपना रेट ऑफ लो इस थ्योरी के हिसाब से तो ये अपने को लिख दिया फ्रीक्वेंसी और जो वो सी कंसंट्रेशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली जो एक्सप्रेशन है अभी लास्ट जो स्लाइड पे देखी थी उससे हमें ए बी हाइफन है ए बी सॉरी हाइफन नहीं है यार ए बी जो भी स्टार है ये ठीक है समझ गए ना सिंबल का नाम तो क्या बोलते हैं सिंबल का क्या नाम था हमें दबाते तो हैं यार हर टाइम चलो पता नहीं
हैस पता नहीं जो भी बोलते हैं, चलो रेट, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इससे अपन जो कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिस वगैरह है वो उसकी टर्म में लिखेंगे, रेट लो की टर्म में, तो ये ऐसा दिखता है K2। ठीक है, K2 क्या था अपना, रेट कॉन्स्टेंट फॉर द सेकंड स्टेप, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटता है अपना प्रोडक्ट में, तो उसके लिए था। और इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे 4 और 5 को, तो अपने को K2 किसके इक्वल आता है, KBT/S इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अपना म्यू को भी लिख लिया किसके टर्म में, H न्यू, मतलब थर्मल एनर्जी पे म्यू क्या हो गया, KT इक्वल टू H न्यू। तो यहाँ से म्यू क्या आ गया, KT/H। KBT मतलब KT या KBT, ये बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एच अपना प्लैंक कॉन्स्टेंट आ गया, और K जो भी है ये यहाँ से अपना हमें पता ही है, ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है जब रिएक्टिंग स्पीसीज और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में होता है। और इसी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को हमें पता है डेल्टा जी नो माइनस RT ln K। अब इस एक्सप्रेशन को हम वापस डेल्टा जी की टर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी की टर्म में वापस को तोड़ के डेल्टा एच और डेल्टा एस की टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जी डैश इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, सब्सिट्यूट करनी है वैल्यूज, फाइनली अपने को ऐसा कुछ दिखेगा। और अगर आगे चलते हैं तो हाँ, ये एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी है भाई, इस पे क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या एक्टिवेशन एनर्जी और इंथैल्पी डेल्टा एच नोड फॉर दैट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है उसके लिए, उसके स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या है, और डेल्टा एनजी, यहाँ पे डेल्टा एनजी का ये ध्यान रखना, डेल्टा एनजी उस स्टेप के लिए जिसमें रिएक्टिंग स्पीसीज और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, चेंज इन द गैसियस नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमें पता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो एक ही स्पीसीज है ना, एक स्टेट है वो बनी है, तो हमेशा वो बन रहेगा। अगर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की बात करें तो 1-1 0, तो डेल्टा एन जी उसके लिए क्या आ गया, डेल्टा एन इसके लिए आ गया 0। अगर बायमोलिकुलर की बात करें, रिएक्टिंग स्पीसीज होगी 2, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तब भी बन रहा, तो 1-2 -1, तो उस केस में आ गया -1 बाई के लिए, यूनि के लिए। तो ऐसे ही आप सिंपल वैल्यू पुट करो और एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी गिवन है। ठीक है, यही सब चीज़ें लिखी है, अगर यही अपन वैल्यू उसमें पुट करेंगे लास्ट वाले एक्सप्रेशन में जो एंथैल्पी का था, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में आ गए तो अरहेनियस इक्वेशन से कंपेयर करके ए जो है ना, जो अरहेनियस और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, उसका भी अपना क्या आ जाता है, रिलेशन पता हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी चेंज, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द दैट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेप बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात आ गई पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली जब हमें पता कोई रिएक्शन है प्रोडक्ट दे रही है, तो बीच में क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट भी मिलता है, सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है, तो दोनों के फॉर्मिंग का डिफरेंट रेट होता है। तो मान लो ए गिव राइज टू बी एंड ए गिव राइज टू सी, अपने दो काइंड ऑफ पैरेलल रिएक्शन है जिनका रेट कॉन्स्टेंट, एक का K1 दूसरी का K2। तो इनिशियली ए की कंसंट्रेशन है ए या ए नोट या टाइम टी पे A-X, और टाइम टी पे बी और सी कुछ नहीं बना है, एंड टाइम टी पे क्या बना, ये वाई बना, ये जेड बना है। इस केस में तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या है, K1 एंड ए, क्योंकि दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, अभी के लिए मान लो दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर बिहेव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ए, जो दोनों भी अपना ये पैरेलल रिएक्शन है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी ये हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन सी ये हो गया। अब यहाँ से अपन इस इक्वेशन को यहाँ पे अगर जो भी डेरिवेशन वगैरह करके फाइनली फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाता है फाइनल एक्सप्रेशन, जिसमें क्या दिखता है, ln a डिवाइडेड बाय A-X इज इक्वल टू K1+K2T। ठीक है, अब ये K क्या हो गया, यहाँ पे K1+K2 दोनों के रेट कॉन्स्टेंट का सम। ठीक, तो अब इसी को अगर उसके दूसरे फॉर्म में लिखेंगे अपन लॉग फॉर्म में, तो ये कुछ ऐसा हो गया भाई, 2.303 को वहाँ डिवाइड में ले जाओ, ऐसा दिखे, तो ये मतलब बस खोल लो, 2.303 बाहर आ जाएगा, तो इस टाइप से कुछ एक्सप्रेशन होगा, ये होगा पैरेलल रिएक्शन का अपना। मोड कोएफिशिएंट वगैरह इससे कुछ अलग होंगे, तो उस केस में चेंज हो जाएगा, ये चीज जरूर ध्यान रखना। बट और क्या ध्यान रखना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई सी हमेशा उनकी जो रेट कॉन्स्टेंट है K1/K2 इनकी रेशो होगी हमेशा। अगर ये 2K1 है K2 है, उस केस में 2K1/K2 आ जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और इसकी जो कोफिशियंट है ना उस पर डिपेंड करेगा अपना जो इफेक्टिव जो रेट कॉन्स्टेंट आ रहा है। ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते वरना इसी पर बहुत टाइम लग जाएगा, पर आगे कभी इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बात आ गई कंसेक्यूटिव और सिक्वेंशियल रिएक्शन की। तो ए गिव राइज टू बी, बी गिव राइज टू सी, ऐसा कोई सिक्वेंशियल अपनी रिएक्शन है, तो इनिशियली ए की कंसंट्रेशन है ए और बी और सी है 0, टाइम टी ए हो गया अपना एक्स में कन्वर्ट, मतलब सी कंसंट्रेशन होगी एक्स, और वाई बन गया कुछ जेड बन गया। ठीक है, अब इस केस में एक्स जो है वो होता है दोनों के दोनों काइंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, मान लो ठीक है ये भी और ये भी, तो इसमें एक्स क्या आता है अपना फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट से सीधा, क्योंकि तो ए की साइड हो रहा है भाई,
ये तो डिक्रीज ही कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा, तो मतलब x क्या आ गया a e की पावर माइनस k वन t। यहाँ पे y है ना, तो y का होता थोड़ा ट्रिकी, इसको होता है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह फॉर्म करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। अभी के लिए इसको याद कर लो, कैसे भी अपने दिमाग में बैठा लो, ये आता है इसका एक्सप्रेशन के वन ए डिवाइड बाई के टू माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो याद कर लो इसको अच्छे से, पेपर में डेरिवेशन लेके नहीं बैठने वाला, इतना टाइम नहीं होता। हाँ, अब क्या होता है, कंसंट्रेशन तो अपनी क्या है, कॉन्सेंट्रेट इनिशियल ए थी, बाद में भी अपनी ए ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस रेट से अपना काइंड ऑफ ए अपना टूट रहा है या ए अपना कम हो रहा है, उसी रेट से बी या सी में से कुछ वो बन रहा होगा, तो दोनों है तो स्टेप फर्स्ट ऑर्डर ही ना, जितना यहाँ से ए कम हो उतना यहाँ पे बनेगा, तो ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो वो कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम होगी इनिशियल और फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से अपन जेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप आ जाता है, उसमें x पुट किया y पुट किया जो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो ये ऐसा होगा। अब हमें पता है b क्या है, इनिशियली क्या हो रहा है, a टूट रहा है तो b बन रहा है, पर फिर b कम भी तो होगा ना, क्योंकि इससे ये k2 अपना जो रेट कॉन्स्टेंट है इस टाइप का, इससे अपना c भी तो बन रहा है, तो ये कुछ इस टाइप का काइंड ऑफ कर्व अपने को जनरली दिखता है, जिसमें b इनिशियली मैक्सिमम रीच करता है फिर कम हो जाता है, a हमेशा क्या होता है कम होता है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करता है, सी क्या है हमेशा इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि वो कम तो हो नहीं रहा कहीं से, उससे आगे कोई स्टेप ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो टी मैक्स और एक वाई मैक्स, वाई मैक्स मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन मैक्सिमा, और टी मैक्स वगैरह टाइम, किस टाइम पे ये बी मैक्सिमम है, तो इसका भी एक्सप्रेशन ये देख लो जो ब्लू वाले अपने कलर्स में लिखा हुआ, ये भी याद कर कि किस कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम और किस टाइम पे ये मैक्सिमम है, तो ये अपना गिवन है यहाँ पे, ओके, स्क्रीनशॉट लेकर जो भी करना है बस याद करना इसको अच्छे से। अब आ गई बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान से सुन लेना, इसमें जो दो स्टेप थे K1 और K2, K1 था फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट स्टेप का रेट कॉन्स्टेंट, K2 है सेकंड स्टेप का रेट कॉन्स्टेंट, तो इनिशियली अगर K1 ग्रेटर देन K2 है कि मतलब फर्स्ट स्टेप का ना बहुत फास्ट रेट से हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड स्टेप, तो उस केस में कुछ इस टाइप का दिखता है भाई अपना जो प्लॉट्स हैं बी का, ए और सी तो मोर और लेस सेम से ही रहेंगे, सेम उतने नहीं रहेंगे, काइंड ऑफ उनका प्रोफाइल सेम सा रहेगा, थोड़ा बहुत स्लो ऊपर नीचे हो सकता है, बट बी में तुम्हें चेंज एविडेंटली दिखेगा, और अगर K2 ग्रेटर देन K1 है, इस चीज को बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये क्या कहती है, ये कहती है कि भाई अगर ऐसा होना कि सेकंड स्टेप का रेट कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, तो वहां पे जो अपना जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है ना, ये इसी कंसंट्रेशन जो मोर और लेस कॉन्स्टेंट होती है, ये जो हमें देखने से दिख भी रहा है कि इसमें कोई ऊपर से ऐसे चढ़ के नहीं गया, ठीक है, ये चीज ये इस हमें पता लगती है इस चीज से कि अगर सेकंड स्टेप का रेट कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, अगर उसकी मतलब इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहेगी, और उस चीज का बहुत आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे इस चीज पे, ठीक है। ए क्या है, दोनों में ही डिक्रीज कर रहा है, इसमें थोड़ा क्या कर रहा है स्लो रेट से कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है ना ए, तो उसी कंसंट्रेशन, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो रेट से कर रहा है, ठीक है, उतना फास्टर नहीं हो रहा। और सी क्या है, इसमें एकदम से बनना शुरू हो गया, यहाँ पे थोड़ा आराम आराम से बन रहा है, क्योंकि K2 यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम। अब देखो ये आ गया ATGM 2021 पे पूछा गया था क्वेश्चन, क्या बोल रहा था, ये एक्सप्रेशन जो है याद रखना है बस सिंपली कंसेक्यूटिव के लिए, तो मतलब जो ये वाई है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो यहाँ पे दिख रहे हैं अपने को चार ऑप्शन, कुछ नहीं है बस कंफ्यूज करने के लिए KX और KY लिखे हैं जो K1 और K2 था, तो अपना सिंपली मैच करो उस इक्वेशन से, पहला ऑप्शन है जो सही है, हाँ, तो यही अपना जो एक्सप्रेशन आएगा करना है यार, देख भी लो जल्दी ये रहा, ठीक है, e की पावर माइनस के वन टी माइनस e की पावर माइनस के टू टी और के वन ए डिवाइड बाई के टू माइनस के, ठीक है, यही चीज थी, ये अपना ये आ गया इसमें फर्स्ट ऑप्शन। अभी आगे चलते हैं, ये IIT JEE 2020 में पूछा गया था, MSQ है ये याद रखना, सिर्फ MCQ नहीं है, ठीक है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे। तो इसमें दो पाथ दिए अपने को, आर से पी बन रहा है, एक इस पाथ से बन रहा है, एक इस पाथ से बन रहा है, ठीक है, तो वो कुछ प्लॉट्स दिए हैं, तो बताओ कि भाई बेस्ड ऑन दिस ग्राफ द करेक्ट कंडीशन रिगार्डिंग द रेट कॉन्स्टेंट। तो अगर पहले बात करें क्या वो वाली जो कंडीशन है, ये तो अपनी कैसी है जो अभी हमने देख के हटे, तो उस वाले में क्या था भाई, फर्स्ट स्टेप का जो होता है रेट कॉन्स्टेंट ज्यादा होना चाहिए तभी ये मैक्सिमम सा रीच होगा, तो मतलब इसके लिए क्या होगा, K1 > K3, ठीक है। और अगर इसकी बात करें एस वाली की, ये तो अपने को स्टेडी स्टेट जैसी लग रही है कि मोर और लेस कॉन्स्टेंट सी है, वैसा हम्प दिख रहे हैं पर चलता इतना तो ठीक है, तो कॉन्स्टेंट सी है, मतलब ज्यादा कुछ फ्लक्चुएट ज्यादा वेरिएशन नहीं है इसमें, तो ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एस वाली, सॉरी यहाँ पे गलती करती है हमने, ये जो क्यू वाला था ना ये पाथ था,
तो इसमें तो रेट कॉन्स्टेंट है K2 और K4 के, तो यहाँ पे K1 K3 नहीं आएंगे, K2 K4 आएंगे। तो S वाले पाथ के लिए इसमें क्या आ गया, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टाइप, तो इसके लिए K3 ग्रेटर देन होगा K1। ठीक है, बहुत से लोग ये तो आप निकाल ही लोगे और उसके देख के क्या लगा आएंगे, हाँ जी ये और भी ठीक है हम तो आ गए, पर नहीं भाई अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब इसमें क्या चीज है, एक और जो भूल रहे हैं अपन, अब हमने ये तो बता दिया K2 greater than greater than K4, K3 greater than greater than K1, ये इसको कौन भूल गया, मतलब कि इस रेट से ये आर अपना कम हो रहा है। ठीक है, ये इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये होगा अपना ज्यादा, मतलब बहुत फास्टली अपना कम होगा। ठीक है, कंपैरिजन टू दिस केस, समझे नहीं, कि यहाँ पे अपने को दिख रहा है K2 greater than K4 है, तो यहाँ पे K1 लोअर वाली साइड है, तो ये K2 और K1 का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, मतलब ये वाला कि मतलब इनिशियल इस पाथ से अगर जाएंगे तो K2 अपना बहुत जल्दी से डिप करेगा, रहते थे अगर इस पाथ से जाएंगे तो स्लो स्लो डिप करेगा, तो ये चीज भी मतलब फॉलो कर रहा है, इन दो कंडीशन से ही अपने को ये देखने को मिलता है। ठीक है, और ये यहाँ पे दिख भी रहा है कि जिससे मतलब ये बन कैसे रहा है, ये जो बन रहा है ना ये चीज कितनी स्पीड से बन रही है और ये कितनी स्पीड से बन रही है, एस वाले पाथ में है ना, क्या था ये K1 था, ये तो बहुत ही स्लो स्पीड से मतलब काइंड ऑफ इंक्रीज कर रहा है, तो ये K1 क्या है वो कम है, और इसमें तो एकदम से चढ़ गया ऊपर, मतलब K2 है ना जो उसका रेट कॉन्स्टेंट है जो बनने का, ये बहुत फास्टर है क्यू वाले पाथ में, तो K2 ग्रेटर देन K1, तो ये ऑप्शन भी आ गया, तो ABC तीनों अपने राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, दे रखा है अपने को क्यू प्लस आर गिव राइज टू एक्स गिव राइज टू पी, ठीक है दोनों इक्विलिब्रियम में है पहले क्यू प्लस आर, और ये अपने को रेट कॉन्स्टेंट दिया है, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में पूछा है कि रेट कॉन्स्टेंट ओवरऑल रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, पहले अपने को ओवरऑल रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट बताना है, क्योंकि इनिशियली अगर इसका रेट लिखेंगे क्या आ गया dP/dt गिव राइज टू K2x, अब एक्स की कंसेंट्रेशन हमें पता नहीं, इंटरमीडिएट स्पीसी है, तो इस पे लगाएंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडीशेट अप्रोक्सीमेशन लगा के जो भी अपना रेट कॉन्स्टेंट यहाँ पे टर्म्स आएंगी बस तो उसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। जल्दी से देख लेते हैं, ऑलरेडी सोल्व किया होगा यहाँ पे, हाँ ये देख, ठीक है ये गिवन था, ये अपना रेट लो आ गया, स्टेडी से अप्रोक्सीमेशन लगाई कि भाई कंसंट्रेशन अपनी कॉन्स्टेंट है, तो उसका जो भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट कंसंट्रेशन इज जीरो, तो ये लगाई तो यहाँ पे एक्स हमें ये पता लग गया एक्स की टर्म में भाई, हाँ। और फिर इसमें अगर इक्वेशन में पुट करेंगे 1 और 2 में तो अपना कुछ इस टाइप का दिखा, तो ये आ गया ओवरऑल के, तो इसमें सब वैल्यू पुट करी तो फाइनली अपना रेट कॉन्स्टेंट क्या आ गया 250। ठीक है, तो 250 ये आ गया आंसर, प्रैक्टिस कर लो खुद भी साथ साथ में, देखने से काम नहीं चलेगा, जितना खुद प्रैक्टिस करोगे ना उससे चीज़ें होंगी। ठीक है, थोड़ा दिमाग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें याद में आएगी, ऐसे तो मतलब बस तरीका पता लगेगा, जितना खुद प्रैक्टिस करोगे ऐसा ऐसा कोई भी सवाल आएगा चक्के फेंक दोगे। आगे चलते हैं, अब आगे फाइनल इसमें जो टॉपिक है एंजाइम कैटालिसिस काइनेटिक्स की बात करें, तो अब इसमें क्या है, मान लो ई प्लस एस है, एंजाइम और सबस्ट्रेट दो चीजें होती है इसमें, ठीक है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं ES। ठीक है, उसका बनने का है जो ये दोनों के एक किस रेट से बन रहा है, K1 और K2 रेट से टूट रहा है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक करेगा तो हमें क्या मिलता है, बेसिकली प्रोडक्ट मिलता है, तो ये अपना एक स्लो स्टेप है जो अपना रेट डिटरमाइन कर रहा है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है हमें तो इस टर्म में लिख सकते हैं K3, क्योंकि वो तो स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और इससे पहले हमें पता है एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो भी कॉन्स्टेंट है, ये तो ई नोड है ना, या तो अपना एंजाइम ई खाली पड़ा होगा सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने के लिए, या फिर सबस्ट्रेट से जुड़ चुका होगा जो ES की टर्म में होगा। ठीक है, ये दो ही स्टेट हो सकते हैं, तो ई नोड इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ना वो भी फिक्स है अपना एंजाइम की जो इसके इक्वल है, तो इस पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे ES पे, वही सेम चीज सोल्व करनी जो पिछले न्यूमेरिकल में करी थी। ठीक है, बस उससे ये चीज एक एक्स्ट्रा याद रखनी है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे ES भी है, तो ES को हमेशा ES को नहीं, यहाँ पे E है, E को हमेशा E नोड माइनस ES की टर्म में लिखेंगे तो सोल्व करेंगे, तो अपना ES को जब सब्सिट्यूट करेंगे इसमें तो अपना कुछ इस टाइप से दिखेगा जो रेट होगा K3 E नोड S डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस S, और इसको थोड़ा सा अपन अगर दूसरी फॉर्म में लिखेंगे ये आ जाता है K3 E नोड S KM प्लस S, तो ये K2 प्लस K3 बाई K1 को क्या बोलते हैं KM, ये होता है मिकलिस मेंटन कोफिशियंट। ठीक है, ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन होते हैं, तो K3 और E नोड को इसको हम बोलते हैं
Vmax. ये Vmax क्या है भाई, क्योंकि ये रेट लो था K3 ES, तो भाई मैक्सिमम रेट कब होगा, जब ये ES किसके इक्वल हो जाएगा E नोड के, क्योंकि जो मैक्सिमम एंजाइम है ना वो सारा का सारा अपना ES के फॉर्म में ही है, तो क्या मिलेगा मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, तो ES जब E नोड के इक्वल हो जाएगा तो इस R को क्या बोलेंगे Vmax, ठीक है यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम इस प्लॉट से बात करें देख के, तो रेट है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो इनिशियली जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, एस है जो ये लेस देन KM, ठीक है, लेस देन KM, सॉरी डेल्टा एस नहीं एस, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम डेल्टा था भाई, तो इस केस में KM ग्रेटर देन एस आ गया, तो एस को भूल जाओ यहाँ से, ये कैसा आ गया एक्सप्रेशन Vmax S डिवाइडेड बाई KM, रेट लो का कैसा बन गया यहाँ पे Vmax S डिवाइडेड बाई KM, ये तो सब कॉन्स्टेंट है दोनों, मतलब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे S, S की पावर क्या है 1 यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर बिहेव कर रहा है इनिशियली जब लो कंसंट्रेशन है एंजाइम की, या इस एक्सप्रेशन से देख के भी पता लग रहा है, और वहीं पे अगर जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है S की, तो उस केस में हम KM को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपना dP by dt give rise to Vmax, ये तो बिल्कुल ही कॉन्स्टेंट बन गया, कोई कंसंट्रेशन वाली कोई टर्म ही नहीं जिसकी पावर कुछ हो, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर, तो एक हाई कंसंट्रेशन पे जाके ये बिहेव करने लग जाते हैं जीरो ऑर्डर की तरह, और बीच में क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाता है अराउंड Vmax by 2 के, ठीक है ये यहाँ पे दे रखा है, जब क्या होता है एस किसको इक्वल हो KM के, ठीक है उस केस में, ओके समझ आ गए ना बात, चलो फिर देखिए लाइन वीवर बर्क प्लॉट होता है, कुछ नहीं है वो रेट एक्सप्रेशन जो था अपना उसको Vmax के टर्म में लिख दिया, और फिर 1 बाय आर वर्सेज 1 बाय एस का प्लॉट होता है, ठीक है, तो इसमें ये इंटरसेप्ट आ गया, ये स्लोप आ गया, तो कुछ भी दिया हो फाइंड आउट कर दो सिंपली, ठीक है स्लोप दिए अगर इंटरसेप्ट दिया तो Vmax पता लग गया, Vmax पता लग गया तो KM पता लग गया स्लोप से, ऐसे ही दिया मिलेगा। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी और कैटालिटिक एफिशिएंसी, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है पहले देख लेते हैं इसको, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी होती है भाई कितने जो अपना जो एंजाइम है ना, मतलब कितने सब्सट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब एक मोल ऑफ एंजाइम पर सेकेंड, ठीक है, मतलब कितने रिएक्टेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय यूजिंग 1 मोल ऑफ काइंड ऑफ एंजाइम पर सेकेंड, पर सेकंड ध्यान रखना वरना टर्नओवर नंबर बन जाता है, अगर टाइम को निकाल देंगे इस पिक्चर से तो वो जाता है टर्नओवर नंबर, और कैटालिटिक एफिशिएंसी तो मतलब भाई ये सिंपली डिपेंड करता है इस पे K3 और KM पे, तो इन दोनों की रेशियो होता है जितना भी अच्छी होगी उतना ही अपना कैटालिटिक जो जो एंजाइम है ना वो कैटालिस्ट के लिए अच्छा हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या टर्नओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है अपने को, 90% डिड है इसकी, ठीक है अभी बता के हटाऊ मैं, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितने अपने मोल कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, इससे क्या हुआ 90% डिड है तो कितने कन्वर्ट हुए 1 का 0.9, ठीक है 1 मोल था मतलब इनिशियली, तो 0.9 का प्रोडक्ट बना, 0.1 वेस्ट हो गया अपना, ठीक है बाय प्रोडक्ट वगैरह में, पर यूनिट मोल ऑफ एंजाइम मतलब या कैटालिस्ट, तो मोल कैटालिस्ट के क्या 0.01 mol के पर टाइम, टाइम यहाँ पे किसमें आवर्स में, यहाँ भी आवर्स में बताना है, तो 5 से डिवाइड करता हूँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं अभी 90 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या आ गया भाई 18 आवर इनवर्स, आंसर आ गया अपन, क्या था इस क्वेश्चन में, IIT एग्जाम 2019 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आ गया, इन द मिकलिस मेंटेन मैकेनिज्म फॉर एंजाइम काइनेटिक्स एक्सप्रेशन ऑब्टेंड इज, ऐसा ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिला अपने को, कुछ नहीं है ये अपना रेट लो था जो हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसमें ये है बस इसको कुछ नहीं रीअरेंज करना है, तो अगर एस प्लस के एम को इधर ले जाएं, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा अपना एक्सप्रेशन, और इसी में क्या करना है इसको डिवाइड कर देते हैं अपन, किससे डिवाइड करेंगे ई नोड एस और के एम, मतलब सबको ना ई नोड एस और के एम से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा आर, मतलब ये कुछ नहीं रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ बी से रिप्रेजेंट करी हुई है, तो यहाँ पे एस से एस कट जाएगा इस वाली में, तो क्या बना आर बाय ई नोड, यानी आर बाय ई नोड के एम, यहां से तो क्या हुआ के एम से के एम गया, ये बन गया आर बाय ई नोड एस,
यहां से क्या हम यहां से क्या मानेंगे K3 डिवाइडेड बाय Km ये कट गया R मतलब V है ये ठीक है तो यहां से ये V बाय E नोट प्लस है इसको एक साइड ले जाओ ओके चले गए तो इसको अपना ये इस साइड है ही इसको दूसरी साइड ले जाएंगे अपन और ये K3 बाय Km क्या है मतलब ये 1.4 ये वाला जो इंटरसेप्ट है और इसकी स्लोप क्या होगी 1 बाय Km मतलब 1 बाय Km हमें दे रखा है K3 बाय Km दे रखा है तो बता दो भाई K3 क्या होगा Km क्या होगा यही तो पूछा है ना बस फाइंड आउट कर लो सोल्व कर लो कुछ नहीं आ जाएगा तेरी कमी थी चलो इसको भी कर लेते हैं डिस्कस बियर लैम्बर्ट्स लॉ बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है बेसिकली कि जितनी अपन लाइट काइंड ऑफ ये एब्जॉर्बेंस के बारे में अपने को बताता है कि किसी भी सैंपल की एब्जॉर्बेंस होती है ना उसकी कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पे कैसे डिपेंड करते हैं काइंड ऑफ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि जितना भी ज्यादा कंसंट्रेटेड सैंपल है उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जितना ही अपन ज्यादा पाथ से वो सैंपल मतलब लाइट पास कर रहे हैं ना कि अगर 1 सेंटीमीटर की क्यूब है मान लो या 10 सेंटीमीटर की है उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगा ठीक है यही कहता है अपना और ये कैसे रिलेट करते हैं इस एक्सप्रेशन से A = εcl यहाँ पे L होता है सेंटीमीटर में C होता है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ठीक है A होता है एब्जॉर्बेंस लॉग I नोड बाय I I नोड क्या इनिशियल इनिशियल जो लाइट पास कर रही है अपनी ठीक है इंसिडेंट लाइट बेसिकली और I है अपना ट्रांसमिटेड लाइट ठीक है तो A हो गया लॉग I नोड बाय I तो ये आ गया अपना एक्सप्रेशन एप्सिलॉन है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट तो ये पर्टिकुलर एक सब्सटेंस का एक फिक्स होता है मतलब डिपेंडिंग अपॉन की बोला पोर्ट अलाउड है फलाना है ठीक है स्पिन अलाउड है कि नहीं उसके बेसिस पे मटेरियल पे डिपेंड करता है कितना होगा मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और इसमें एब्जॉर्बेंस होता है कि एडिटिव क्वांटिटी और ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लिकेटिव है ट्रांसमिटेंस मतलब कितना पास करेगी वो होता है IT बाई I नोड तो एब्जॉर्बेंस बेसिकली माइनस लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस ऐसा भी कह सकते हैं ठीक है आ जाता कुछ नहीं है इसमें और आगे चले इसी में इंटेंसिटी बता रखी है मोनोक्रोमेटिक लाइट की 90% रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑन पासिंग थ्रू दिस सॉल्यूशन तो क्या आया इसमें 100 थी पास करके सैंपल से 90 रहेगी तो एब्जॉर्बेंस क्या होगा फिर लॉग आई नोड बाय आईटी आईटी 90 है आई नोड क्या था 100 तो ये आ गया लॉग 100 बाय 90 ये हो गया एब्जॉर्बेंस सीधी सी बात है टी दे रखा है कंसंट्रेशन 5 मिलीमोलर मिली को भी चेंज कर लो यार पाथ लेंथ क्या हो गया एल 4 सेंटीमीटर ठीक है अब ये सब चीजें दे रखी है बस पुट कर दो तो क्या भी बचा है और आंसर निकाल लो सीधा सीधा ये देखो सॉल्यूशन भी दे दिया चलो तुम्हारे लिए ये तो मिटा देते हैं दिख जाएगा तुमको ठीक है ओके चलो फिर आगे चलते हैं अभी भाई कर दिया हाईलाइट भी कर दिया बढ़िया अब इस वाले केस में क्या बोल रहा है 640 नैनोमीटर का एक ब्लू फिल्टर है जो 72.7% लाइट ट्रांसमिट करता है और एक दूसरा फिल्टर जो इतनी ट्रांसमिट करता है तो ट्रांसमिटेंस क्या होगी इसकी सेम वेव ना तो टू फिल्टर कंबाइन करके लगाएंगे अब मैंने पहले ही बात बोली थी ट्रांसमिटेंस क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी है एब्जॉर्बेंस होता है एडिटिव या तो पहले मतलब क्या करना है पहले 100 थी ये पास करके 72.7 रहेगी और ये फिर पास करके 40.7% लाइट तो इसका 40% यहाँ जाएगा फिर ठीक है तो इसका निकाल लो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस इसका निकाल लो यहाँ पे क्या होगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वो अपना आ जाएगा आंसर पता ही रखा है I1 बाय I नोट दे रखा है I2 बाय I1 दे रखा है ठीक है ट्रांसमिटेंस काइंड ऑफ दे ही रखी है बस 100 से डिवाइड कर दो तो ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लिकेटिव होती है तो ये अपना आ गया आंसर 0.296 चलो फिर ये अपना केमिकल काइनेटिक्स होगा डन चलो फिर अभी एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है सब अच्छे से चल रहे हैं ओके चलो फिर वापस से चलते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को करते हैं डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्टिंग करें बात तो किसी रेजिस्टेंस की बात करते हैं किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होता है
ये होता है रो एल बाई ए, एल क्या होता है लेंथ, एरिया, एल बाई ए को बोल देते हैं सेल कॉन्स्टेंट, रो रेजिस्टिविटी है, आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसमें अपन रिप्रेजेंट करते हैं ओम में, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है फिर वो यूनिट अपना निकाल लो, ये सेंटीमीटर इनवर्स आ गया तो ये हो गया ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम का उल्टा क्या होता है साइमन ओम, ठीक है, तो कंडक्टेंस को साइमन वगैरह में रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंडक्टिविटी को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये एक्सप्रेशन है बस देख लो सब, मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो ये हो जाता है के डिवाइडेड बाई सी, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, सी है कंसंट्रेशन, और अगर ये मोल पर लीटर में है, कंडक्टिविटी अपनी साइमन पर सेंटीमीटर में है, तो ये लीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, सेम यूनिट होगी ना, तभी तो फिर वो चीज अपने फाइनल यूनिट निकल के आएगी, तो ये 1000 ऊपर ले देते हैं अपन, वो कैसे आया 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ये अपना ओवरऑल यूनिट आ जाती है फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मुझे पता है, पर ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, आई थिंक ये रिविजन ही चल रहे हैं, इसमें कुलार्स लो है, ये क्या होता है मोलर कंडक्टेंस बताता है अपने को एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जो क्या होता है बेसिकली सम ऑफ द काउंटर आयंस और उनकी प्रोडक्ट, जो जितने मतलब कि मान लो कि CaCl2 है तो उसे कोफिशियंट मतलब कि Ca1 अपना Ca2 को दे रहा है 2Cl- दे रहा है, तो Cl- की मोलर कंडक्टेंस ये है, तो ये म्यू माइनस है बेसिकली उसका कोफिशियंट 2, और Ca के लिए तो ये हो गया 1, ठीक है, तो ये ऐसे ही अपना इनफिनाइट डिल्यूशन पे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो ये हो जाता है मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डिल्यूशन, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें उसकी मोलर कंडक्टेंस पता है तो अपन उसकी से डिसोसिएशन पे तो हम उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए तो 1 ही होता है, तो क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है अपन यही मानते हैं, और यही सेम एक्सप्रेशन ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कैरियड बाय द पॉजिटिव और द नेगेटिव आयंस, ठीक है, कितना परसेंट जो है चार्ज वो काइंड ऑफ कैरी कर रहे हैं, कितना करंट सॉरी कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरी कर रहे हैं, तो उनका रेशियो, तो इसको अपन जनरली मोबिलिटी के टर्म में डिफाइन करते हैं, और मोबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं एट इनफिनिट डिल्यूशन, तो उसी टाइप से दिखेगा अपने को, ठीक है, तो कैटायन की मोबिलिटी आ गई इनफिनिट डिल्यूशन, यही है मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफिनिट डिल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मोलर कंडक्टेंस, तो इससे भी अपन इनफिनाइट डिल्यूशन पे अपन ट्रांसपोर्ट नंबर तक फाइंड आउट कर सकते हैं कितना फ्रैक्शन ऑफ चार्ज अपना कैटायन कैरी करे, कितना फ्रैक्शन ऑफ जो करंट है सॉरी चार्ज से कितना करंट वो अपन एनायन कैरी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन, तो इसमें क्या है इस क्वेश्चन में ट्राई करो पोज करके एक बार आप लोग भी, हाँ वरना फिर सोल्यूशन देखो अभी, चलो इसमें क्या करना है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट दे रखा है अपने को, क्या है 1.6 × 10⁻⁵ मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डिल्यूशन दे रखी है, 0.0 मोनो सी भी दे रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतनी दे रखी है, तो उसमें एन फाइंड आउट करना है कि क्या, पहले तो हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट दे रखा है भाई और सी भी दे रखा है, तो हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, हटाई है हमने, ठीक है, तो अल्फा क्या होता है रूट के बाई सी, ठीक है, तो शायद अल्फा का एक्सप्रेशन, तो वहां से अपन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और कंसंट्रेशन की हेल्प से अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है मोलर कंडक्टेंस बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम ये एन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलो देख लो फिर ये कैसे करना है, ये कर देता हूँ, ये ऑलरेडी किया हुआ है ताकि कम टाइम लगे अपना, ज्यादा टाइम ना लगे, तो ये के ए वाला एक्सप्रेशन हो गया, तो यहाँ से अपन अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं रूट के ए बाई सी हो गया, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इसके लिए भी है, और यहाँ से अल्फा फाइंड आउट हो गया, तो फिर सिंपली पुट करके वैल्यूज वगैरह हमने पुट की, तो ये भी अपने को पता लग गया कि एन क्या होगा, देख लो सब किया हुआ है यहाँ से, एन की वैल्यू क्या आई अपनी अराउंड 1.44, ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, अब वही बात आ गई ना अभी डिस्कस करके हटे अपन की ट्रांसपोर्ट नंबर और इनफिनिट डिल्यूशन पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो काइंड ऑफ कैसे हम बता सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है ना उसका मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय देयर टोटल मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डिल्यूशन, तो ये सब दे ही रखे हैं, LaCl3 के लिए ये क्या होगा मतलब Cl नेगेटिव की बतानी है ना, तो ये हो जाएगी 3 मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl- फिर टोटल मोलर कंडक्टेंस, यही तो होता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस, ठीक है, ये फिर एक्सप्रेशन भी देख लो, ज्यादा डिटेल में देखना है तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा अपना 0.5,
अब ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन आयनिक एक्टिविटी एंड मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट। देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो ये क्या कहता है बेसिकली, कोई भी अपना एक इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग भी है, अगर डिजोल्व करते हैं ना तो कंप्लीटली नहीं डिजोल्व करता वो, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता था कि कोई अगर एक कंसेंट्रेशन सी है तो एक हम बताते हैं कि एक्चुअल जो कंसेंट्रेशन होती है उस चीज की होती है जो डिजोल्व हुई है उसमें अपना सॉल्यूशन में, उसमें जो लिक्विड में, ठीक है। तो भी इलेक्ट्रोलाइट है जितना अपना है डिसोसिएट हुआ है, वो अपना एक्चुअल जो इफेक्टिव कंसेंट्रेशन होता है वो होती है ए, ठीक है, ए इक्वल टू गामा एम। तो ये गामा क्या हो जाता है यहाँ पे, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एम मतलब जो हम एक्चुअल समझते हैं कि यही कंसेंट्रेशन है वो नहीं होती, एक्चुअल होती है एक्टिविटी। जो ये बोलते हैं कि जो पार्ट एक्चुअल में उस एक्टिविटी है किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कि लेट्स से कोई रिडॉक्स रिएक्शन करा रहा है, कितना मतलब अपना यूजफुल जो इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है जो अपना इलेक्ट्रोड तक जाएगा और फिर हमें पर्टिकुलर रिएक्शन मिलेगी, वो हमें एक्टिविटी से ही पता लगता है। जितना डाल दिया जरूरी नहीं है कि सारा का सारा अपना डिसोसिएट हो, ठीक है, क्योंकि ये गामा क्या होता है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, एम अपना जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है। तो अब बात आती है कि मीन आयनिक एक्टिविटी और मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें पहले देख लो कि मीन आयनिक एक्टिविटी का क्या एक्सप्रेशन होता है, ये होता है ए पॉजिटिव माइनस से रिप्रेजेंट करता है इसमें, तो ये एम पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव इंटू गामा पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन है सिंपल, ठीक है। इसमें गामा पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस एक्सप्रेशन से, ये होता है गामा पॉजिटिव म्यू पॉजिटिव गामा नेगेटिव म्यू नेगेटिव, म्यू पॉजिटिव म्यू नेगेटिव क्या बेसिकली कोएफिशिएंट्स हैं कैटायन पार्ट और एनायन पार्ट, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वही बात करते हैं NaCl के लिए दोनों क्या हो गए 1 1, CaCl2 के लिए क्या हो गए 1 और 2, ऐसे ही अपन किसी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और मीन आयनिक मोलालिटी का हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखो, अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट भी थोड़ा पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बात किस चीज की चल रही है, और एक्टिविटी और मीन आयनिक एक्टिविटी का ये रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यू क्या है बेसिकली, दोनों का सम, न्यू पॉजिटिव प्लस न्यू नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ जो भी अपने कैटायन और एनायन कितने पार्ट है, ठीक है। अभी ये देख लिया है, तो चलो अभी देखो 2018 में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया इस चीज पे, तो ए बी टू है, ए टू पॉजिटिव और टू बी नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है, तो मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या हो गया, अभी देख के हटे हैं क्या होता है, ये दोनों का जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है उनकी पावर रेज कर दो फिर 1/V कर दो, ठीक है, मतलब फिर उनको टोटल के टोटल जितने में डिसोसिएट हुआ है उनसे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा फिर गामा ए टू पॉजिटिव की पावर 1, क्योंकि ये कोफिशियंट पे डिपेंड कर रहा है ना कि उनके जो भी चार्ज है, ठीक है, फिर गामा बी माइनस पे और फिर टोटल की पावर 1/ν, न्यू क्या होगा दोनों का सम, कि ये 1 है और ये 2 है, 2 नाइन पार्ट से आ रहा है 1 के 10 पार्ट से, तो ये 1/3, अगर इसको अपन खोल देंगे तो ये होगा गामा ए टू पॉजिटिव की पावर 1/3 और ये बन जाएगा गामा पी 2 की पावर 2/3, ठीक है। ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए यहाँ पे मतलब ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ थी इस पेपर में, तो इसलिए सबको यहाँ पे मतलब मार्किंग मिल गई थी जिसने भी अटेम्प्ट किया था, बट इसमें अगर यहाँ पे 1/3 होगा तो ये बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ग्लिच की वजह से कुछ वीडियो पॉज हो गया था, कोई ना फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो अभी चलते हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, जो है कि डेबेहगल थ्योरी, तो इसको बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहाँ पे पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है अपने, ठीक है, तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कम्प्लीटली आयनाइज, कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं अपने, ठीक है, कम्प्लीट आयनाइज हो जाएंगे, और तो हमें मतलब एक्चुअली में ऑब्जर्व क्या हुआ, ऑब्जर्व हमें हुआ कि भाई मोलर कंडक्टर्स हमें मिलता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये बात चलो जायज थी कि क्योंकि भाई उनका डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता होगा उससे, बट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उनको वो तो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे भी, तो डाइल्यूट करने से ऐसा क्या हो रहा है कि उनकी मोबिलिटी या मोलर कंडक्टेंस काइंड ऑफ इंक्रीज कर रही है। तो वो मिला कि इसमें कई सारे फैक्टर, फिर इस हकल थ्योरी से पता लगे कि एसिमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेटिक एंड विस्कोसिटी, मतलब ये 3-4 फैक्टर हैं जिसपे अपना मतलब जो डिटरमाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोबिलिटी को, अगर मोबिलिटी ज्यादा होगी तो फिर मोलर कंडक्टेंस भी काइंड ऑफ ज्यादा होगी, तो वो डिसोसिएशन की वजह से नहीं होगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये मोबिलिटी की वजह से होगा क्योंकि वो ज्यादा मतलब तेजी से भागे इधर उधर, तो फिर उसके हिसाब से मोलर कंडक्टेंस भी अपनी क्या होगी, इंक्रीज कर जाते हैं डाइल्यूशन करने पर, ठीक है। तो ये एसिमेट्री फैक्टर क्या होता है, तो मतलब क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने इसमें डाला है किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, तो अपना मतलब जो भी है उसमें डिसॉल्व्ड है, तो क्या होगा फिर, वो एक इंडिविजुअल यूनिट नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी है, वहाँ पे काउंटर आयन भी है, उसके कैटायन या जो भी एनायन होगा उसका उल्टा वाला जो भी, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है,
तो वो एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह मूव नहीं करता, वो एक काइंड ऑफ साथ में ही मूव करेगा, मतलब एक वो क्या हो गया जैसे इस इमेज से अपने को देखने मिल रहा है, तो एक कंबाइंड काइंड ऑफ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया अपना यहाँ पे, कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन से सराउंडेड होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से सराउंडेड होगा। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट को भी, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी पोलराइज कर सकता है, तो उनका क्लाउड भी इधर उधर होगा, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल मूव नहीं करता। तो एक इससे क्या होता है, एसिमेट्री फैक्टर ये आता है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रोड है, इधर इलेक्ट्रोड है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, अगर कैटायन इधर जा रहा है तो एनायन काइंड ऑफ उसको वो वाला जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो उसको पोलराइज कर देगा, तो मतलब उससे जो उसकी सिमेट्री है ना, जो ये क्लाउड है उसकी सिमेट्री डिस्टोर्ट हो जाती है, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर से लग गया और ये इधर से लग गया, तो इसकी वजह से ये एसिमेट्री फैक्टर आता है पिक्चर में। इलेक्ट्रोफोरेटिक होता है, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, वही पोलराइज होने की वजह से जिस डायरेक्शन में अपना जो भी आयन जा रहा है उससे अपोजिट में अपने सॉल्वेंट जाएंगे, तो वो एक ड्रैग प्रोड्यूस करते हैं। और विस्कोसिटी तो अपना नॉर्मल अपना सॉल्वेंट की वजह से जो विस्कोसिटी है, जो वो अपना इनहेरिटेंस जो उसका ड्रैग है, वो काइंड ऑफ जो फैक्टर है वो यहाँ पे मिलता है अपने को। तो ये सबके सबका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ए और बी जो कोफिशिएंट है उनमें अपने को देखने को मिलता है। तो मोलर कंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करनी, मतलब इस थ्योरी की हेल्प से अगर मोलर कंडक्टेंस हम बोलेंगे तो ये हो जाते हैं डेल्टा नोड एम माइनस ए प्लस बी लैम्डा नोड एम या डेल्टा जो भी बोलना है अंडर रूट सी, ठीक है, तो ये अपन बता सकते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि भाई लीनियरली अपना डिक्रीज करते हैं मोलर कंडक्टेंस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, तो जैसे जैसे अगर डाइल्यूशन करेंगे तो क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस अपना इंक्रीज कर रहा है, ये चीज अपने को पता लग रही है। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक केस में एकदम इंक्रीज करता है क्योंकि वो डिसोसिएशन ही इंक्रीज हो जाता है वहां पे, तो जितने फिर आयन ज्यादा होंगे इतने ऑब्वियसली भाई मोलर कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस होते क्या है, के डिवाइडेड बाई सी। तो अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो उससे के तो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि भाई आयन दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, एक आयन अभी इस एक लीटर में मान लो दो आयन है, एक अगर डाइल्यूट करके दो लीटर में दो आयन है तो वो तो कम अपना मोबिलिटी होगी, ठीक है, कनेक्टिविटी सॉरी, पर मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है, के डिवाइडेड बाई सी, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है साथ में कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो गया अगर डाइल्यूशन करेंगे, तो उस वजह से मोलर कनेक्टेंस इंक्रीज करती है डाइल्यूशन पे। और वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए हमें पता लग गया क्या क्या फैक्टर होते हैं बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी हेल्प से ये कर पाते हैं। अब बात ये बात डेबेहक लिमिटिंग लॉ की, अब हमें एक्टिविटी कोएफिशिएंट पता है तो इस लो की हेल्प से हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, वो क्या होगा, लो गामा पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू माइनस ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव अंडर रूट ऑफ आई, आई क्या यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ, जो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसी के लिए वैलिड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव है बेसिकली उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो चार्ज कितना है बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज पे, ए अपना यहाँ पे कॉन्स्टेंट है जो होता है अराउंड 0.509 और आई हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से हाफ ऑफ सी आई जेड आई स्केल, जेड आई वही चार्ज हो गया, सी आई हो गया कंसंट्रेशन या मोलैलिटी ऑफ पर्टिकुलर दैट आयन। और इस प्लॉट से अपने को देखने से भी मिल रहा है कि जैसे ही अपने जैसे जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव इंक्रीज करता है तो उसका स्लोप भी क्या कर रहा है काइंड ऑफ ज्यादा शार्पर काइंड ऑफ स्लोप भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाली जो टर्म है ना, अगर पहले जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव 1 था तो ये 1 आया 1 इंटू ए माइनस ए तो स्लोप क्या आई माइनस 1, और वहीं 2 होंगे तो ये आगे माइनस फोर ए, तो ये ज्यादा शार्पली काइंड ऑफ फॉल करेगा। ये अपना इन पर डिपेंड करता है कि कितने अपना चार्ज क्या है बेसिकली दोनों के टाइन और नाइन पार्ट में। जैसे ये क्वेश्चन है 21 में भी पूछा गया है, ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम, थोड़ा सा बस स्टेटमेंट इधर उधर कर देंगे, थोड़ा सा कुछ घुमा देंगे, सिमिलर इस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या दे रखा है, बहुत ही सिंपल है कुछ नहीं, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशियंट वो फाइंड आउट करनी है अपने को, ये हमें मोलर इतना इसका दे दिया, इसी कंसंट्रेशन दे दी CaCl2 की इतनी है और ए हमें बता दिया कि 0.509 है, तो उस एक्सप्रेशन से जो क्या था माइनस लोग ऑफ गामा पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू 0.509 जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव अंडर रूट ऑफ आई। अब आई हम कैसे फाइंड आउट करोगे, हाफ ऑफ वाई एम आई जेड आई स्क्वायर करके, अब जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव क्या है, जेड पॉजिटिव हो गया 2 पॉजिटिव तो 2 आ गया, जेड नेगेटिव आ गया माइनस 1, ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ अपन फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमें बताना है क्या होगा, तो आई कैसे निकालेंगे अब ये देख लेते हैं फटाफट, करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोई बात है यार तो इतना टाइम नहीं है ना आपके पास, वीडियो काम का लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें आई क्या होगा, हाफ एम आई जेड आई स्केयर एम आई जेड आई स्केयर CCl नेगेटिव 2 आयन बन रहे तो उसकी मोलैलिटी डबल हो जाएगी, चार से हमें पता ही है इस पे 2 इस पे माइनस 1, तो ये आयनिक स्ट्रेंथ ये आ गई अपनी, इसको सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हम R पॉजिटिव नेगेटिव या गामा पॉजिटिव नेगेटिव, ये बस सिंपल है कुछ नहीं है, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं जो आ गया 0.774। हमेशा ध्यान रखना जितने डेसिमल में पूछा जितना पूछा उतना ही आंसर करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना।
अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट्स की बात आए तो लोन को तो याद ही रखना भाई, ये पैसे वाला लोन नहीं है, बेकार जो कर ऐसे कोई ना। तो यहाँ पे लोन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल लेफ्ट ओ ऑक्सीडेशन ए एनोड एन नेगेटिव। ये क्या कह रहा है कि बेसिकली कोई भी अगर अपन कोई भी सेल नोटेशन कुछ भी लिखते हैं ना, लेफ्ट साइड क्या होता है उसमें एनोड, एनोड क्या होता है नेगेटिव, और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिससे अपन काइंड ऑफ कि मतलब जिसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है इनहेरिटेड, सॉरी पोटेंशियल नेट जो पोटेंशियल है पॉजिटिव हो, जिसमें फिर डेल्टा जी माइनस नेगेटिव आ जाती है उस केस में, मतलब जो बैटरीज वगैरह काइंड ऑफ सिंपल जहां से अपने को पोटेंशियल मिलता है, तो उस केस में एनोड नेगेटिव लेफ्ट साइड होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ठीक है, तो वही ई सेल अपने को लिखना है, ये होता है ई आर माइनस ई एल, आर में क्या होगा फिर राइट साइड में कैथोड, तो ये हो जाता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल को अपन माइनस करेंगे तो पोटेंशियल ऑफ सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये फिर अपना बन जाती है नर्स्ट इक्वेशन। तो ई इक्वल टू ई नोड माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू नोड, ये रिएक्शन के ओसन, मतलब दोनों की जो जो भी अपन कह लें कि रिडोक्स एक्टिव स्पीसीज है बेसिकली, उनकी रेशियो अगर ZN टू पॉजिटिव बन रहा है या CU टू पॉजिटिव CU में बन रहा है, तो ZN टू पॉजिटिव और CU टू पॉजिटिव की रेशियो हो जाएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये आता कहाँ से, इस एक्सप्रेशन से, इसमें डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के, इसमें अगर ये नीचे वाले एक्सप्रेशन सब्सिट्यूट करते हैं जो उसमें पोटेंशियल और डेल्टा जी का रिलेशन है, तो ये अपने को ये नर्स्ट इक्वेशन मिलती है। ठीक है, ये आर टी बाई एफ क्या लिख सकते हैं 0.059, इतना यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यही एक सिंपल अगर रिएक्शन लिखी है तो उसमें ई सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो वो कैथोड और एनोड इस तरह से हमें लेने हैं कि उनका नेट पॉजिटिव हो पोटेंशियल, तभी तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो हमेशा रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है तो वहां पर रिडक्शन होगा, जिसका कम पॉजिटिव है या नेगेटिव वो ऑक्सीडेशन साइड जाएगा। ठीक है, तो उससे हम नेट पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात करें अगर इसमें CuSO4ZN, ये सिंपल सा क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया, ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है, फैराडे कांस्टेंट दे दिया हमें, तो सिंपली बताना है कि डेल्टा जी नोट क्या होगा, डेल्टा जी नोट हमें पता है क्या होता है माइनस NF ई नोट। अब ई नोट हमें बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डेल्टा जी नोट है ना वो एडिटिव क्वांटिटी है, ई नोट नहीं होती पोटेंशियल, पर यहाँ पे तो मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर होते हैं ना, मतलब कि एक स्टेप के इतने इलेक्ट्रॉन है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है एक में एक में, आगे उसको भी देखने वाले हैं उस पर क्वेश्चन है, पर वैसे कह रहा हूँ अगर इलेक्ट्रॉन सेम है ना किसी स्टेप में कि इतने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है इतने का ऑक्सीडेशन, फिर तो ठीक है, फिर तो सिंपल कैथोड माइनस एनोड को रिड्यूस करो और फाइंड आउट कर लो अपना नेट पोटेंशियल क्या है, और उसकी हेल्प से फिर डेल्टा जी नोट फाइंड आउट कर लो। तो इस क्वेश्चन में किया भी है इन्होंने, यहाँ पे सिंपली दिख रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ दो का लॉस हुआ है। ठीक है भाई, हैप्पी हैप्पी सिचुएशन है, ई को सिंपली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर सिंपली डेल्टा जी नोड वाले एक्सप्रेशन में डाल देंगे वैल्यू तो आ गया अपना आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर बात ट्रिकी कब हो जाती है, जब अपने इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट स्टेप्स में हैं वो सेम ना हो। ठीक है, कि जितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन वाले एक स्टेप में दूसरे में उतने ही ना हो, तो फिर नेट जो रिएक्शन बनेगी ना वो इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस आउट नहीं होंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में इस चीज का हेल्प लेते हैं कि डेल्टा जी होती है ना उसकी हेल्प में अपन मतलब चीजें सॉर्ट करते हैं, ना कि सिंपल पोटेंशियल को माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे डेल्टा जी होती है ना वो क्वांटिटी, वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है जिसको अपन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर इक्वेशन प्लस माइनस की है तो, बट ई को है ना इंटेंसिव क्वांटिटी है उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक कह लो कुछ कह लो कंसेप्ट कह लो। तो यहाँ पे भी अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि जब कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, इस स्टेप के लिए ई नोड क्या होगा, इन दोनों का अपने को पोटेंशियल पता है तो इसका ऐसे ही होगा, इस स्टेप का हमें पता है तो गिब्स फ्री एनर्जी से ही ये करना है। तो बेसिकली क्या है, सिंपल ये अपने को गिवन है, इस स्टेप का डेल्टा जी वन ये आ गया, इस स्टेप का डेल्टा जी टू ये आ गया। अब सी यू टू पॉजिटिव से सी यू ये कैसे बनेगा, अगर इस वाली में से दूसरी वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे राइट, तो अपना ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है जनरेट हो जाएगा, देख लो ऐसे। ठीक है, तो मतलब डेल्टा जी नोड क्या आ गया नेट उस स्टेप का, डेल्टा जी वन नोड माइनस डेल्टा जी टू नोड। तो यहाँ से सिंपली सोल्व कर दिया तो डेल्टा जी की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या होगी। और फिर सेकंड पार्ट में इन्होंने ई नोड पूछा है, ई नोड पुट करना है तो सिंपली क्या हो गया माइनस एन एफ ई नोड इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस 15,440। ठीक है, तो यहाँ से एफ और एन एफ क्या 96450 पुट कर दो जितना भी,
96,450 या 485 500 से ही करिए तो यही यूज़ कर लो। एंड अपना क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने काइंड ऑफ स्टेप में इंक्लूड है, ये है 1। तो बस अपना इनोड भी फाइंड आउट कर लो जो भी ऑप्शन है क्लिक करते हैं। तो आगे चलते हैं तो इसमें आ गया अपना एंट्रोपी चेंज। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी को जो डेल्टा एच प्लस टी डो बाई डो टी ऑफ डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब इसमें डेल्टा जी क्या होता है माइनस एन एफ ई से और हाँ अब इसी को ना आगे अगर इसमें डेल्टा जी वाले जो एक्सप्रेशन है इसमें एन एफ वाला ये सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये अपने कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। ठीक है यही एक्सप्रेशन है मैं डेल्टा जी को सब्सिट्यूट करते हैं और इसी को अगर अपन इससे रिलेट इक्वेट कर देंगे डेल्टा जी क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस तो मतलब यहाँ से अपने को ना ये डेल्टा एस का एक रिलेशन भी पता लग जाएगा जो क्या होता है काफी इंपॉर्टेंट है एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये किसके क्या होता है डेल्टा एस कुछ नहीं है रिलेट करनी है बस चीजें सब्सिट्यूट करके इस वाली इक्वेशन से डेल्टा ई जी की तो दोनों में पुट मत करना डेल्टा जी यहाँ पे पुट करना बस तो इससे रिलेट करेंगे तो डेल्टा एस हमें पता लग जाएगा सो क्या डिपेंडेंसी होती है ये डेल्टा ई बाई डेल्टा टी होता है डेल ई बाई डेल टी सॉरी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है टेम्परेचर कोफिशियंट। ठीक है ये टेम्परेचर कोफिशियंट हो गया तो ये ई सेल भी अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर डेल्टा एच पता है हमें टेम्परेचर कोफिशियंट पता है या एंट्रोपी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर टेम्परेचर कोफिशियंट पता है। ओके एंट्रोपी चेंज सब इसी पे देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है सिंपली ईएमएफ इस स्टैंडर्ड कैडमियम सेल की इतनी है इस टेम्परेचर पे टेम्परेचर कोफिशियंट इतना है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर द सेल इज। ठीक है एच नॉट की हमें वैल्यू बतानी है तो अब ये क्या होगी अब हमें पता है हम टेम्परेचर कोफिशियंट और एन एफ की हेल्प से डेल्टा एस नोट फाइंड आउट कर सकते हैं राइट और हमें पोटेंशियल दिया तो वहां से डेल्टा जी नोट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टेम्परेचर पता है हमें तो कर दो भाई डेल्टा एच नोट इस एक्सप्रेशन से डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी ऑफ डेल्टा एस नोट बस जल्दी जल्दी फटाक से अपना सोल्यूशन देख लो हमारे लिए करके एकदम रखा है फ्रेश फ्रेश। ठीक है ओके तो आई थिंक आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जिसको भी इस पीडीएफ के नोट्स या कुछ भी चाहिए प्रेप की टैब से अपना डाउनलोड कर लो रजिस्टर करके अपना ठीक है लॉगिन क्रेडेंशियल जो भी है और अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अभी थोड़ा तब तक एग्जाम है वीडियोज आने वाले हैं एग्जाम के बाद भी है ना इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपके मतलब और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं जितने भी होते हैं और बट हाँ उससे पहले अपना अच्छे से तैयारी करो एग्जाम्स की एग्जाम्स की सॉरी। ठीक है और आई होप यू लाइक दिस वीडियो और इफ यस देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू।